विदिशा जिले में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं पर गैस, तेल सहित कई खाद्य सामग्रियों और उनके दामों पर पर्चा लगाकर दौड़ कराई गई। महंगाई की दौड़ में विजेताओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। जिला कांग्रेस महामंत्री विवेक ठाकुर ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और भाजपा सरकार महंगाई रोकने के लिए कोई विचार नहीं कर रही, इसलिए अनोखे प्रदर्शन के जरिए जनता को जागरूक करने और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस महामंत्री विवेक ठाकुर जी द्वारा महंगाई के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से आम जनता को भी और जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार बैठी है उसको भी एक चेतावनी दी गई है कि जिस प्रकार से महंगाई आज बढ़ रही है उस हिसाब से आम नागरिक का जीवन यापन हो नहीं पा रहा है, वो आत्महत्याएँ कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार पहले कहती थी कि जब 71-72 रुपये डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम हुआ करते थे, डीजल 65 रुपये हुआ करता था, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रति बैरल में 160 हुआ करती थी, जो कि आज 60 और 55 कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की। तब भी डीजल पेट्रोल हमको 100 और 125 रुपये मिल रहा है। आज इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण देश के आम नागरिक का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है और सरकार आँख मूंद कर बैठी हुई है। जो लोग पहले प्रदर्शन करते थे 2 रुपये 5 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ने पर, गैस पे बढ़ने पर, आज वो सब अपनी आँख मूंद कर बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। जिस नारे को लेकर ये सरकार आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे के विपरीत ये लोग चल रहे हैं और आम जनता पर टैक्स की, जीएसटी की मार पड़ रही है, उसको ये नहीं समझ रहे हैं। जनता का जीना